नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निधि और आपका अपने इस YouTube चैनल पे स्वागत करती हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो, हमारे हिंदू धर्म में बताया गया है कि जिस घर में माता लक्ष्मी वास करती हैं, उस घर में हमेशा सुख समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है। माता लक्ष्मी जिसको कि जो है चंचलता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये एक समय पे ज्यादा समय तक नहीं टिक पाती। और दोस्तों, इनकी एक मेन विशेषता यह भी है कि जितनी कठिनता से ये प्रसन्न होती हैं, उतनी ही सरलता से ये रूठ जाती हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ महिलाओं और पुरुषों द्वारा की जाने वाली कुछ ऐसी गलतियां जिन्हें अगर वो अनजाने में करते हैं तो ऐसा करने से माता लक्ष्मी उनसे रुष्ट होती हैं, घर में सुख समृद्धि खुशहाली नहीं रहती, घर में काय कलेश का वातावरण बना रहता है, पति पत्नी के बीच मनमुटाव आता है, पति के जीवन पर हमेशा खतरों का संकट बना रहता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो गलतियां मैं आपको बताने वाली हूँ उन्हें आप ध्यान से सुनिएगा, और इनमें से अगर कोई भी गलती आप कर रही हो तो उसे जरूर सुधार लीजिएगा। हो सकता है कुछ बातों को आप पहले से ही जानती हो और कुछ बातों को आप इस वीडियो के माध्यम से जाने, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे कि अगर आप कोई गलती कर रही हो तो उसे सुधार सके, जिससे कि माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न रहे, हमेशा आपके घर में सुख समृद्धि खुशहाली बनी रहे और माता लक्ष्मी का वास हो। तो चलिए फटाफट से जानते हैं कौन कौन सी वो गलतियां हैं जिनको आपको अनजाने में भी नहीं करना। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं नंबर एक, यह जो गलती मैं आपको बताने वाली हूँ इसे पुरुष और महिलाएं दोनों ही अक्सर कर देते हैं। दोस्तों, आप क्या करते हैं, जब भी हम किसी धन को गिनने होते हैं, अपनी धन राशि को गिनने होते हैं, पूंजी को गिनने होते हैं, तो काफी लोगों की आदत होती है कि पूंजी को गिनते समय, धन को गिनते समय वो अंगूठे पे थूक लगा के इस तरीके से पैसों को गिनते हैं। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो ऐसा करने से लक्ष्मी का अनादर होता है। तो दोस्तों, आप जब भी पैसों को गिन रहे हो तो आपको पैसों को गिनने के लिए जो है वाटर स्पंज का इस्तेमाल करना चाहिए। कभी भी अंगूठे पे थूक लगाकर आपको पैसों को नहीं गिनना चाहिए। या फिर आप किसी को भी धन दे रहे हैं या फिर किसी से भी धन ले रहे हैं तो उसको इस तरीके से स्पर्श जरूर करना चाहिए, क्योंकि धन की देवी महालक्ष्मी होती है, तो धन का अनादर आपको कभी भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, दूसरी गलती की बात करें तो जिस घर में अन्य देवता का अपमान होता है, अन्य देव को व्यर्थ जो है बर्बाद किया जाता है और डस्टबिन में और कूड़ेदान में डाला जाता है, ऐसे घर में ना ही अन्य देव रहना पसंद करते हैं, ना ही माता लक्ष्मी रहना पसंद करती हैं। इसलिए जितना आपसे खपता है, जितना आपको लगता है कि आपके पेट में जो है जाएगा, उतना ही आपको अपनी प्लेट में खाना रखना चाहिए। कभी भी व्यर्थ खाना आपको बर्बाद नहीं करना चाहिए। तीसरी गलती जो कि अनजाने में काफी लोगों से होती है कि आप जो है रात्रि के समय सोती हैं और बर्तनों को झूठा ही सिंक में पड़ा छोड़ देती हैं। ऐसे घर में माता लक्ष्मी कभी भी रहना पसंद नहीं करती जिस घर में रात्रि के समय बर्तनों को झूठा सिंक में पटका जाता हो। तो जब भी आप रात्रि में सोती हैं, सोने से पहले आपको बर्तनों को मांज के ही सोना चाहिए। एक चम्मच को भी आपको आपका जो सिंक होता है उसमें झूठा नहीं छोड़ना चाहिए। रात्रि में सारे बर्तन मांज के ही आपको सोना चाहिए। जिस घर में अतिथियों का अपमान होता है, अतिथियों को बोझ समझा जाता है, ऐसे घर में भी माता लक्ष्मी रहना कभी भी पसंद नहीं करती। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगी आजकल की हमारी जो लाइफ स्टाइल हो गई है, इसमें हम क्या करते हैं, देर रात तक सोते रहते हैं और देर सुबह तक उठते हैं। ऐसा करना बहुत ही अशुभ माना जाता है। भगवान सूर्य देव भी नाराज होते हैं, माता लक्ष्मी भी नाराज होती है, क्योंकि शास्त्रों में भी बताया गया है कि सूर्य उदय होने से पहले ही हमको उठ जाना चाहिए। इसके पीछे कारण यह भी है कि भगवान विष्णु ही सूर्य देव हैं, और जो देर सुबह तक उठते हैं और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त नहीं करते, स्वागत नहीं करते, तो ऐसा करने से भगवान सूर्य देव नाराज होते हैं। तो इसलिए हमेशा आपको सूर्य उदय होने से पहले ही उठ जाना चाहिए। दोस्तों, और भी अनजाने में की जाने वाली गलती की बात करें तो जो महिलाएं शाम ढलने के बाद झाड़ू लगाती हैं, ऐसा करना बहुत ही अशुभ माना जाता है। माता लक्ष्मी ऐसे घर में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। हमेशा आपको सुबह के समय झाड़ू लगाना चाहिए और शाम ढलने से पहले झाड़ू लगाना चाहिए। शाम ढलने के बाद अगर आप झाड़ू लगाते हैं तो शाम ढलने के बाद ही माता लक्ष्मी का जो प्रवेश करने का समय होता है, इसी समय वो दस्तक देती हैं। और शाम ढलने के बाद अगर आप झाड़ू लगाती हैं तो स्वयं माता लक्ष्मी को आप अपने घर से बाहर कर रही हैं। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। साथ के साथ जो हमारा मेन गेट होता है, दरवाजा होता है, उसके बाहर आपको कूड़े को कभी भी इकट्ठा नहीं करना चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी हमेशा ऐसे घर में रहना पसंद करती हैं जिस घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान दिया जाता हो, स्वच्छ रहता हो, घर से बदबू नहीं आती हो और घर एकदम क्लीन रहता हो। तो अगर आप मेन गेट पे दरवाजे पे गंदगी रखती हैं तो जब मेन गेट पे गंदगी होगी तो माता लक्ष्मी कभी भी आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं करेंगी। इसलिए घर को अंदर से साफ करने के साथ साथ बाहर से भी आपको घर की सफाई जरूर रखनी चाहिए। और दोस्तों, साथ के साथ जिस घर में अन्य देवता का अपमान होता है, जैसे कि महिलाएं जो है खाना बना रही हैं, खाना बनाते बनाते या फिर खाने को परोसते समय अगर वो खाना खाती हैं, तो इस तरीके से खाना झूठा माना जाता है और झूठा खाना आप किसी को परोस रहे हैं ऐसा माना जाता है, तो ऐसा करने से अन्य देव भी बहुत ही ज्यादा नाराज होते हैं। इसलिए महिलाओं को खाना बनाते समय और परोसते समय खाना नहीं खाना चाहिए। जब वह खाना खाती है तो आराम से प्लेट लगा के बैठ के उनको एक जगह पे खाना खाना चाहिए। कभी भी खाना बनाते समय महिलाओं को खाना नहीं खाना चाहिए।
यह गलती भी आपको भूल से नहीं करनी चाहिए। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगी, जिस घर में मंदिर नहीं होता, देवी देवताओं की पूजा नहीं होती, पूजा पाठ नहीं होती, दीपक नहीं जलता, ऐसे घर में कोई भी देवी देवता रहना पसंद नहीं करता। तो आपका घर चाहे कितना भी छोटा है, तो आपको छोटा सा मंदिर एक जरूर अपने घर में रखना चाहिए। चाहे एक मूर्ति ही रखिए, लेकिन एक मूर्ति जरूर रखनी चाहिए, सुबह शाम उसकी पूजा करनी चाहिए और दीपक को जरूर जलाना चाहिए। दोस्तों यही कुछ छोटी छोटी सी गलतियां हैं जो कि हमसे अनजाने में होती है, और ऐसा करने से माता लक्ष्मी हमसे रुष्ट होती है और हमारे घर में रहना कभी भी पसंद नहीं करती। तो इन गलतियों को सुधार के आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकती हैं और माता लक्ष्मी का वास हमेशा आपके घर में बना रहेगा। तो दोस्तों मैं आशा करती हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ, पास में एक बेल आइकन होगा उसे जरूर प्रेस कीजिएगा। इससे क्या होगा, मैं आगे जो वीडियो बनाऊंगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।